स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस रॉ में हुए शॉक के बारे में। शॉक मतलब हमें द शील्ड का रिटर्न देखने को मिल गया है इस रॉ में। तो क्यों किया है शील्ड का रीज़न, क्या है असली रीज़न, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू ने मैच सेट किया रोमन रीन्स वर्सेस फिन बैलर, और ये मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच एज ए मेन इवेंट था। और जब ये मैच चल रहा था, मतलब जब इस मैच की एंडिंग ही हो रही थी, तब हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्रेंस देखने को मिलती है, और वो आते हैं कैश इन के इरादे से। इसी बीच हमें रोमन रीन्स स्पीड डालते हुए दिखाई देते हैं फिन बैलर को, और पिन करते हैं 1-2-3। रोमन रीन्स रिटेन कर लेते हैं इस मैच में अपनी चैंपियनशिप। इसके बाद हमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपना कैश इन करते हैं मनी द बैंक ब्रीफकेस। लेकिन इसमें एक और शॉक देने वाली बात है कि ब्रॉन स्ट्रोमन का भी कैश इन नहीं हुआ है, क्योंकि बेल वेजी नहीं है। जी हाँ, तो ये सिर्फ जोजो ने अनाउंस किया था, ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो मतलब अभी भी मनी द बैंक ब्रीफकेस ब्रॉन स्ट्रोमन के पास ही है। तो जब जोजो ने अनाउंस किया कि ब्रॉन स्ट्रोमन करने वाले हैं मनी द बैंक ब्रीफकेस कैश इन, तो उसी वक्त हमें द शील्ड का रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब वहाँ से आ जाते हैं डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हमें द शील्ड का रिटर्न देखने को मिल सकता है इस आने वाले रॉ के एपिसोड में, और वैसा ही हुआ। तो सभी फैन ये सीन देखकर शॉक हो गए, और यहाँ पर डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। और इन द एंड हमें एक ट्रिपल पावर बॉम्ब देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए, और वो डालते हैं अनाउंसर टेबल पर। ऑल इन ऑल मतलब द शील्ड रीयूनाइट हो चुकी है इस रॉ में, और ये श्योर है कि हमें द शील्ड आने वाले रॉ के एपिसोड में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि द शील्ड ने रिटर्न क्यों किया है। यहाँ पर स्पेकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, और सबसे पहली बात दरअसल इस बात के लिए कन्फ्यूज है कि रोमन रीन्स का ओपोनेंट कौन होगा हेल इन सेल में। मतलब अभी कोई भी सुपरस्टार डिजर्व नहीं करता यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक शॉट। तो यहाँ पर डब्ल्यू के सामने कई मुश्किलें आ जाती हैं कि कौन फेस करेगा रोमन रीन्स को हेल इन सेल पे पर व्यू में। यहाँ पर बस एक दो नाम ही हैं, फिन बैलर, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉक लेसनर भी अभी ऐड हो चुके हैं, क्योंकि पॉल हैमन ने यहाँ पर डिमांड किया था एक रीमैच समर स्लैम का, और वो भी हेल इन सेल में। लेकिन कर्ट एंगल ने ये मैच रिफ्यूज कर दिया था। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें रोमन रीन्स का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिलेगा इनसाइड द हेल इन सेल। और पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि हमें इनसाइड हेल इन सेल में एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जो होगा द शील्ड वर्सेस कोई अदर टीम, क्योंकि अब शील्ड रीइन्वेंट हो चुकी है। और पॉसिबिलिटीज बहुत हैं कि हेल इन सेल पेपरव्यू में द शील्ड का एक मैच देखने को मिले, और वो भी एक स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पर डब्ल्यूई सेथ रॉलिंस की फ्यूड डॉल्फ ज़िगलर के साथ ही शुरू करती है, तो डीन एम्ब्रोस का क्या, डीन एम्ब्रोस वेस्ट हो जाएंगे, डीन एम्ब्रोस का रिटर्न वेस्ट हो जाएगा। तो अगर डब्ल्यूई चाहती है कि इन तीनों सुपरस्टार्स का अच्छा यूज़ हो डब्ल्यूई में, तो वो एज ए शील्ड ही होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि अगर हेल इन सेल पेपरव्यू में रोमन रीन्स का मैच हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर, तो आप किसको देखते हैं रोमन रीन्स का ओपोनेंट। तो डब्ल्यूई की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दें।